for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोग देख रहे हैं मूवीज अड्डा और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। गाइस, फिल्म रेस 3 में सलमान खान पहली बार एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सामने आ रहे हैं। वो फिल्म को खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और साथ ही साथ अभी 2 साल पहले एक्चुअली सलमान सर ने एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके बारे में जिक्र किया था और उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं की थी। सो उनका चेन ऑफ थिएटर्स जो है वो खुद लॉन्च करना चाहते हैं जिनका नाम है सलमान टॉकीज। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि सलमान टॉकीज जो है वो अभी तक कहां पर है, वो प्रोजेक्ट अभी तक मतलब फाइनली लॉन्च नहीं हुआ है या हमने कोई अभी उसके बारे खबर नहीं सुनी। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब उसके जो लॉजिस्टिक्स है उसमें काफी यू नो चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में वो बहुत पर्टिकुलर है। सो यू नो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है और हो भी इसलिए क्योंकि यू नो वो इसलिए ये थिएटर्स खोलना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी जो सारे थिएटर्स हैं उसकी कॉस्ट से काफ़ी कम रखने वाले हैं और पहली बार तो ये टैक्स फ्री टिकट्स होने वाले हैं और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो होते हैं जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट्स भी मिलने वाले हैं इस थिएटर में। सो इसमें उनको बहुत ही सावधान रहना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। सो इसलिए उनको टाइम लग रहा है, उन्होंने ये बताया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि वो जो है ये जो सलमान टॉकीज है ये बांद्रा, जुहू और यू नो जो शहर की मेन जगहों में ऐसी जगहों में वो थिएटर नहीं बनने वाले हैं, ये मुंबई के आउटस्कर्ट्स में बनेंगे और बाकी छोटे शहरों में, क्योंकि उनका ये मानना है फिल्मों का जो कलेक्शन है वो तभी इम्प्रूव होगा जब इन छोटी जगहों पर जो है यू नो स्क्रीन्स को बढ़ाया जाएगा रादर देन मेट्रो सिटीज में यू नो कॉस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देना। जैसे आप देख लेते हो 400-500 रुपए की भी टिकट हो जाती है वीकेंड्स के टाइम पे बड़ी मूवीज की मेट्रो सिटीज में स्पेशली। तो उनका मानना है कि एक जो टिकट रेंज होती है वीकडेज में 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में होनी चाहिए और वीकेंड्स में 250 रुपीज मैक्सिमम होनी चाहिए, ये उनका मानना है। और यही जो थॉट है वो सलमान टॉकीज में वो डालेंगे और वहाँ के प्राइसेस अकॉर्डिंगली रहा करेंगे। जो छोटी जगह पे है, जो छोटे शहरों में, वहाँ पे उनका खोलने का इसको इंटेंशन है और वहाँ पे जो टिकट के दाम है इतने रहेंगे क्योंकि उनका मानना है कि नो उनके जो कलेक्शंस है तभी ऐसे बढ़ेंगे और यू नो फिल्में देखने जाएंगे। अब यार 400 रुपए की टिकट देख के अपना मन ही खो देता है, यार छोड़ यार कौन देखेगा, पायरेटेड आएगी तब देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, यू नो यूट्यूब पे आ जाएगी तब देख लेंगे, यार इसीलिए ना इजी वे ढूंढते हैं हम लोग। सो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया थॉट है उनका और अगर इनको वो कुछ टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी खबर होगी हमें, यू नो इतने कम दामों में टिकट्स मिलने लगेगी। सो ये जो सलमान टॉकीज की जो न्यूज़ है आप लोग ये सुन के एक्साइटेड है कि नहीं, ये सिर्फ उनकी फिल्म्स को रिलीज करने के लिए कोई स्पेशल थिएटर बनाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो चेन ऑफ थिएटर्स वो खोलना चाहते हैं। ये है, मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में रेस 3 के लिए एक्साइटेड हो गए नहीं हो भैया, फ्राइडे को पिक्चर आने वाली है। सो बीइंग फिल्मी मूवीज अड्डा, जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। सी यू गाइस।